सलाम वालेकुम बेटा। आज का जो मेरा बेटा टॉपिक है वो है शोराए कराम और नसर निगार पर तबसरा। जैसे कि मैंने आप लोगों के बेटा ग्रुप में पहले पिक्चर्स वगैरह जो है वो सेंड कर दी थी, जो भी मैं आज आप लोगों को इंशाल्लाह पढ़ाने वाला हूँ। तो कुछ बच्चों के सवालात भी थे कि सर आप ने जो है बस हेडिंग बना के सेंड किए हैं, इसको आप जो है कब एक्सप्लेन करें, कब डिफाइन करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को बेटा एक्सप्लेन करने लगा हूँ, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जिनका नाम आता है वो है खुदाए सुखन मीर तकी मीर। तारुफ शायर अगर हम देखें तो अगर हमें किसी का तारुफ शायर करना हो या तारुफ मुसन्निफ करना हो तो हम सबसे पहले उसकी पैदाइश, उसकी तालीम, उसका जमाना, मतलब जमाना मतलब ये है कि उसका जमाना कैसा गुजरा या वो किस जमाने से ताल्लुक रखते थे। जैसे कि आपको मीर तकी मीर में, ख्वाजा मीर दर्द में, गालिब में बेटा आपको जमाना जो है वो याद आता है दिल्ली का, जब अंग्रेजों की हुकूमत थी और जंग आजादी का वक्त चल रहा था, जंग आजादी का मौका था। उसके बाद इनका लकब क्या था, जैसे कि इनका लकब था बेटा शहनशाह गजल और खुदाए सुखन। उसके बाद इनका इंतकाल कहाँ हुआ और उसके बाद आती है बेटा इंतकाल से पहले परेशानियां और तकलीफें उन्होंने किस तरह की झेली, जिसका असर उनके अशआर के ऊपर भी पड़ता है। जाने का नहीं शोरे सुखन का मेरे हरगिज़, ता हशर जहां में मेरा दीवान रहेगा। शायराना खसूसियात बेटा, सबसे पहले शायराना खसूसियात में मैंने जैसे कि आपको कहा कि जमाना, जमाना मीन्स अपने दौर की इकासी, इकासी मतलब होता है बेटा अपने दौर को अपने लफ्जों में तहरीर करना या अपने अशआर में तहरीर करना। आप ही लिखेंगे बेटा कि मीर तकी मीर अपने दौर या दौर की इकासी करते हुए ये फरमाते हैं कि मतलब कोई भी उनका दौर हो सकता है, जैसे दिल्ली वाला, दिल्ली के ऊपर उन्होंने काफ़ी सारे जो है वो अशार जो है वो तहरीर करें, और उन अशार में जैसे कि वो बताते हैं मीर साहब जमाना नाजुक है दोनों हाथों से थामिए दस्तार। इसके बाद हमें उनकी जो सेकंड खसूसियत नजर आती है वो है शख्सियत की इकासी। शख्सियत की इकासी का मतलब ये है कि मीर तकी मीर ने किस शख्सियत के ऊपर जो है वो अपना कलम सबसे ज्यादा उठाया है, मतलब किस तरीके से शख्सियत की इकासी की है। शख्सियत मतलब होता है बेटा कोई भी पर्सनैलिटी या पर्सनैलिटी को जो है किस तरीके से आप उन्होंने अपने अशार में जो है वो डिफाइन किया है। हमको शायर न कहो मीर के साहब, हमने दर्दो गम कितने किए जमा तो बस दीवान किया। ये शख्सियत की बेटा इकासी है या किसी पर्सनालिटी की जो है वो आप इकासी करते हैं या उसको डिफाइन करते हैं अपने अशार के जरिए। अब आते हैं अंदाजे बयां पर। अंदाजे बयां देख तो दिल की जहां से उठता है। अंदाजे बयां में क्या आता है, देख तो दिल के जहां से उठता है ये धुआं सा कहां से उठता है। अंदाजे बयां, अब अंदाजे बयां का आता है बेटा कि इनका जो अंदाजे बयां था वो था किसका। हमें मीर तकी मीर की अंदाजे बयां में सादगी भी नजर आती है और मतलब आसान लफ्जों का जो है वो इस्तेमाल नजर आता है कि आसानी से एक कारी के पढ़ने, मतलब जो भी पढ़ने वाला है उसके ऊपर जो है वो एक गहरा असर डालता है। मतलब कारी को किताबें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि क्या होता है कि वो अशआर को पढ़ते हैं और अशआर की नोयत को समझ लेते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है बेटा हमारे पास सादगी और सफाई। सादगी और सफाई का हम ये कह सकते हैं कि बड़े सादा लफ्जों में अशआर तहरीर करना और साथ में बड़ी सफाई के साथ जो है किसी को कोई बात समझाना। अब मैंने आपको ये यही चीज ऊपर भी मैंने आपको कही, लेकिन इनका अंदाजे बयां कैसा है देखिए। अब हम ये भी कह सकते हैं कि इनके अंदाजे बयां में बेतकल्लुफाना भी अंदाज था, मतलब अगर आप देखें शेर से पता चलता है देख तो दिल के जहां से उठता है ये धुआं सा कहां से उठता है। ठीक है जी। इसी तरह हम सादगी और सफाई की बात करें तो हमें इनके अशार में सादगी और सफाई भी नजर आती है, मतलब इनके अशार कोई ऐसे नहीं थे कि इंसान को समझ में ना आए या पढ़ने वाले को समझ में ना आए या उसकी तशरीह अगर वो करने बैठे या उसके अल्फाजों को समझने बैठे तो उसको जो है वो लाइब्रेरियों की या किताबों के चक्कर, मतलब किताबें जो है वो खोलनी पड़े,
बल्कि बहुत आसान अल्फाज थे, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। अब आते हैं हम इश्क मिजाजी पर। इश्क मिजाजी सबसे पहले हम कहेंगे किसे, इश्क मिजाजी बेटा ही होता है मिजाजी। मिजाजी मतलब होता है किसी इंसान से इश्क, या किसी अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक से इश्क, ठीक है जी। तो इसको हम इश्क मिजाजी कहते हैं बेटा। दो तरह के इश्क होते हैं, एक होता है इश्क मिजाजी और एक होता है इश्क हकीकी। अब इश्क मिजाजी में आप लिखते हैं कि भाई शायर ने अपने महबूब से मुखातिब होकर, या अपने दोस्त से मुखातिब होकर, या अपनी माशूक से मुखातिब होकर जो है वो इश्क मिजाजी पर भी जो है वो अशार तेजी की है। जैसे कि यूं उठे आ इस गली से हम, यूं उठे आ इस गली से हम जैसे कोई जहां से उठे, ठीक है जी। अब आती है बेटा जमाने की बेसुबाती। जमाने की बेसुबाती का मतलब बेटा ये होता है कि जमाने का एक दिन फना हो जाना, ये जमाना। इंसान जब किसी चीज से मोहब्बत करता है तो मोहब्बत की भी एक लिमिट होती है और उस इंसान की भी एक लिमिट होती है, ठीक है जी। एक दिन वो चीज भी खत्म हो जाएगी और साथ में वो इंसान भी खत्म हो जाएगा, मतलब दोनों अपने अपने टाइम पे खत्म होंगे, लेकिन हर चीज क्या हो जाएगी, फना हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह जमाने की बेसुबाती को मीर तकी मीर अपने अशार में तहरीर करते हैं। कहा मैंने कितना है गुल का सुबात, कहा मैंने कितना है गुल का सुबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया, ठीक है जी। तो जमाने की बेसुबाती मतलब दुनिया का फानी होना, जमाने का फानी होना, एक दिन फना हो जाना है सब कुछ, एक दिन खत्म हो जाना है। यही बात आ गई, कहा मैंने कितना है गुल का सुबात, कि मैंने कहा गुल का है कितना, मतलब गुल जो है कितना अरसे तक जो है वो जिंदा रहेगा, या गुल बेटा कहते हैं फूल को। इस तरह कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया, मतलब कुछ नहीं पता होता कि कभी भी जो है वो मर भी सकता है और कभी भी जो है वो कोई इसको तोड़ के भी जा सकता है। अच्छा बात आती है अब सोजो गुदास। सोजो गुदास को बेटा हम गम व दर्द भी कहते हैं, या दर्द व गम भी कहते हैं, या हम उसे गम व तकलीफ भी कहते हैं, ठीक है जी। तो इसमें बताया जा रहा है अब मीर तकी मीर को बचपन ही से बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा। एक तो इनके पेरेंट्स का या इनके माँ बाप का, इनके वालदेन का जो है बचपन में ही इंतकाल कर जाना, उसके बाद इनके भाइयों का गिरगिट की तरह रंग बदलना, मतलब इनको अपने घर से निकाल देना, फिर इसके बाद बहुत छोटी उम्र में जो है इनका मुलाजमत के लिए चक्कर लगाना या मुलाजमत इख्तियार करने के लिए कोशिशें करना, ये क्या है हमारे पास तकलीफ। तो इन्होंने तकलीफों से, या इन्होंने तकलीफों में क्या फरमाते हैं, शाम से ही बुझा सा रहता हूँ, शाम से ही बुझा सा रहता है दिल हुआ है चिराग मुफलिस का, शाम ही से बुझा सा रहता है दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। अच्छा जी इसमें बेटा एक और जो है वो हेडिंग मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ, आफाकी शायरी। आफाकी शायरी को बेटा हम ये भी कह सकते हैं कि एक अच्छे खासे लेवल पे जाके जो है मतलब अशार की तशरीह, अशार कहना, या फिर एक बड़े पैमाने पर जो है वो अशार कहना, या किसी को बताने के लिए आपको बहुत आगे की तरफ जाना, ठीक है जी। अब के जिनों फासला शायद ना कुछ रहे, आपके जिनों फासला मतलब आपके जनों में, जनों मतलब आपके जनों फासला शायद ना कुछ रहे, दामन के चाक और गिरेबान के चाक में। ये बात कुछ समझ में है बेटा, ये बोल रहे हैं अब के जनों में फासला शायद कुछ ना रहे, दामन के चाक में और गिरेबान के चाक में, ठीक है जी। सही है आगे चलते, इंसानी दोस्ती और एहतराम आदमियत। अब इनके अशार में या इनकी शायरी में हमें जो है वो क्या नजर आती है, इंसानी दोस्ती और एहतराम आदमियत, ठीक है।
अब ये क्या क्या फरमा रहे हैं, एहतराम आदमियत देंगे उसको, डायरेक्ट ये पॉइंट आउट नहीं कर रहे उस शख्स को या जिसने इनको तकलीफें दी है, ये बल्कि उसको अशार के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। काबे सो बार वो गया तो क्या, काबे सो बार वो गया तो क्या जिसने यहाँ एक दिल में राह न की। मतलब क्या है, वो अगर काबे चला भी गया और भले 100 बार गया, जिस इंसान ने किसी इंसान के दिल में जगह ही नहीं की, मतलब किसी इंसान को खुश ही नहीं किया, किसी इंसान के साथ सही तरीके से पेश नहीं आया, तो उसका काबे जाने भी क्या जाना उसका, ठीक है जी। अच्छा जी आगे चलते हैं। आहंग को मौसिकियत। अब मीर तकी मीर के हमें अशआर के अंदर आहंग को मौसिकियत भी नजर आता है, ठीक है जी। और आहंग को मौसिकियत मतलब क्या होता है कि हमें उनकी अशआर के अंदर मौसिकियत का भी रंग नजर आता है, ठीक है। मतलब मौसिकियत मतलब वही होता है कि गाने वगैरह में या नगमे वगैरह में अशआर का इस्तेमाल करना, या अशआर ऐसे होना कि जो गाने और नगमों में भी इस्तेमाल हो सके, ठीक है जी। तो क्या फरमा रहे हैं इसमें, आलम आलम इश्को जुनू से, आलम आलम इश्को जुनू से दुनिया दुनिया तोहमत है, आलम आलम इश्को जुनू से दुनिया दुनिया तोहमत है, दरिया दरिया रोता हूं मैं सहरा सहरा वेशत है। यकीनन बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या फरमा रही है, कि आलम आलम इश्को जुनू से दुनिया दुनिया तोहमत है, दरिया दरिया रोता हूं मैं सहरा सहरा वेशत है। अच्छा जी आगे चलते हैं। तशबीह और इस्तेआरों का इस्तेमाल या इस्तेआरा का इस्तेमाल। अच्छा तशबीह कहते हैं बेटा किसी चीज को किसी से मुशाबिहत देना, किसी चीज को किसी से मुशाबिहत देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम्हारे होंठ जो है वो गुलाब की पंखड़ियों जैसे, तो हम क्या कर रहे हैं कि गुलाब की पंखड़ियों को किससे तशबीह दे रहे हैं, उनके होंठों से। इस्तेआरा मतलब होता है इशारा करना, ठीक है जी। मतलब किसी की तरफ इशारा करके कोई बात कहना, या किसी को इशारे के जरिए किसी की तरह जो है वो बयान करना। तो अब इसमें क्या फरमा रहे हैं, इस मौजे खैज देहर में हमको कजा ने आ, इस मौजे खैज देहर में हमको कजा ने आ पानी के बुलबुले की तरह मिटा दिया, इस मौज ने खैज देहर में हमको कजा ने आ पानी के बुलबुले की तरह मिटा दिया। अच्छा इसमें बेटा कुछ हेडिंग ऐसी हैं जो इसमें मिसिंग भी हैं, जैसे कि तसव्वुफ है, जैसे कि इश्क हकीकी है, ये जो है दो जो हेडिंग है ये मिसिंग है। मैं आपको तसव्वुफ वगैरह ऐसे भी बता देता हूँ। जैसे तसव्वुफ में मीर तकी मीर, जैसे तसव्वुफ सबसे पहले कहते हैं जैसे बेटा तसव्वुफ का मतलब होता है कि सूफियाना कलाम या सूफियाना अंदाज में कोई बात तहरीर करना या कोई बात बताना, ठीक है। मेरी बात आपको समझ नहीं बेटा, आपको क्या बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि कोई भी तसव्वुफ में क्या आता है कि कोई भी ऐसी बात हो जो आप सूफियाना अंदाज में किसी को बताएं। मतलब और सूफियाना अंदाज में ये भी हो सकता है कि इश्क हकीकी में भी तसव्वुफ आता है हमारे पास, जैसे कि इसमें फरमा रहे हैं ये तो अहम का कारखाना है, यह तो अहम का कारखाना है, या वही है जो एतबार किया, यह तो अहम का कारखाना है या वही है जो एतबार किया। दूसरा शेर बेटा इस पे भी बन सकता है, जलवा है इसी का सब गुलशन में जमाने के, जलवा है इसी का सब गुलशन में जमाने के, गुल फूल को है इनने पर्दा सा बना रखा है, गुल फूल को है इनने पर्दा सा बना रखा है, ठीक है जी। अच्छा जी यकीन बेटा आप लोगों के मीर तकी मीर जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है जी। तो आज हमने जो है वो पढ़ा है मीर तकी मीर का, और इसमें हमने क्या जिस तहरीर की ये क्या चीज़ हमने पढ़ी है कि उनकी खसूसियात, कि उनकी खसूसियात से हमें क्या पता चलता है या हमें उनकी खसूसियात से क्या अंदाज़ा होता है, ठीक है। अब जो बेटा मेरी दूसरी इंशाल्लाह तहरीर है वो है एक तबसरा पढ़ेंगे हम सर सैयद अहमद खान। हम अगर सर सैयद अहमद खान के तबसरे की बात करें तो सर सैयद अहमद खान के बेटा तबसरे में भी हमें
क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी पड़ती हैं या उनके तारुफ मुसन्निफ में सबसे पहले तो उनकी पैदाइश जो कि लिखी है बेटा मैंने आपके सामने, सही है, 1817 से लेके 1898 मतलब 1817 टू 1898, ठीक है जी। पैदाइश, उसके बाद उनकी तालीम या उन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की, तालीम उनकी क्या थी, उसके बाद मकसद, उनका मकसद क्या था कोई भी तहरीर लिखने का, उसके बाद तसनीफ क्या थी उनकी या उनका इंतकाल। अच्छा, पैदाइश में बेटा सिर्फ पैदाइश नहीं आता, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ पैदाइश में उनके उनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन थी, मतलब उनके पेरेंट्स वगैरह जो थे या उनके माँ बाप वालदे वगैरह कौन थे या कौन सी शख्सियत में जो है वो शामिल थे, उसके बारे में भी डिस्कस किया जाता है, पूछा जाता है। तारुफ मुसन्निफ हो गया बेटा, उसके बाद हमारे पास तर्ज तहरीर की खसूसियत में हमारे पास आता है तालीम और तरबियत। हम सरसद खान की तालीम और तरबियत के बारे में बताते हैं कि सरसद खान ने तालीम और तरबियत किस तरह की है, मतलब ये उनकी तालीम और तरबियत की बात नहीं हो रही बेटा, ये बात हो रही है किस चीज़ की कि सरसद खान ने अपनी तहरीरों में लोगों को तालीम हासिल करने का किस तरीके से जो है बताया। बेटा समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि सरसद खान ने तालीम के ऊपर जोर किस तरह दिया या तालीम के बारे में सरसद खान ने किस तरह किसी को कोई बात बताई कि किस तरह इंसान को जो है वो तालीम हासिल करनी चाहिए, किस तरह इंसान को जो है वो मुआशरे में जो है वो बेहतर मुकाम होना चाहिए तालीम के जरिए, ये सब उनकी तालीम और तरबियत में आता है जिस तरह उन्होंने की है। उसके बाद बेटा सादा और रवा अंदाज, सादा और रवा अंदाज बेटा ये होता है कि उनकी तहरीरों में आपको अभाम नजर नहीं आएगा। अभाम मतलब होता है बेटा रुकावट, तब उनको आपको ये उनको कई में आपको ये नहीं लगेगा कि वो रुक रुक के कोई बात आपको बताना चाह रहे, बल्कि उनकी तहरीरों में आपको सादगी भी नजर आएगी और साथ में रवानी भी, ठीक है जी। कि कोई भी अगर कारी उसको पढ़ता है या कारी उसको सुनता है तो कारी के पढ़ने और सुनने से ये चीज वाजे हो जाती है कि जो सादगी है या साथ या हम ये कह सकते हैं कि उनकी हमें तहरीरों में सादगी नजर आती है, सादगी मतलब आसान अल्फाज नजर आते हैं और रवानी नजर आती है। कि जैसे कि बेटा मैं आप लोगों के सामने थोड़ा थोड़ा रुक के बात कर रहा हूँ, वो रुक के क्यों बात कर रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो इस्तेमाल करने से पहले ये चीज जाननी पड़ती है कि बच्चे को ये चीज समझ में आएगी नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए सरसद खान की तहरीरों में आपको सादा जबान भी इस्तेमाल होती भी नजर आएगी और साथ में रवा अंदाज की खसूसियत भी आपको होती हुई नजर आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद मैं दोबारा बेटा आपको फिर तालीम और तरबियत का, यहाँ बच्चों को कुछ बातें क्लियर नहीं हुई है अभी भी। तालीम और तरबियत का बेटा मैंने कहा कि इन्होंने तालीम और तरबियत जो है वो अपनी तो बयान यहाँ पे करी है इन्होंने तालीम में, तारुफ मुसन्निफ में। अब इसमें भी जो तालीम और तरबियत उनकी कैसी थी और किस तरीके से उन्होंने लोगों को अपनी तालीम और तरबियत की तरफ लाना चाहते थे, क्योंकि सरसद खान की अगर हम तालीम और तरबियत देखें तो उनकी तालीम और तरबियत में क्या नजर आता है कि उन्होंने हमेशा मुसलमानों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है या उन्होंने एक ऐसा जो है वो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा रास्ता हमवार करने की कोशिश की जिस तरह मुसलमानों को जिससे फायदा हो, ठीक है जी। तो अब अगर हमें तालीम उनकी देखें तो अब वो 1829 में जो है वो इंग्लिस्तान चले जाते हैं, जहां पर वो जो है वो जो है तमाम ब्रिटिश जो भी उनके पास कल्चर था उनकी सकाफत थी उसके ऊपर या उनकी तालीम के ऊपर वो जायजा लेते हैं, और जायजा लेने के बाद जब वो वापिस आते हैं, जब वो वापिस आते हैं और वापिस आकर वो क्या देखते हैं कि तो ब्रिटिश है ना वो पूरी दुनिया से बहुत ज्यादा आगे चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी हर चीज को किस पर कन्वर्ट कर दिया, तालीम के ऊपर, ठीक है जी। और वो तालीम की वजह से तरक्की पर है, तालीम की वजह से जो है वो मतलब मुल्कों को फतह कर लेते हैं, तालीम की वजह से वो मुस्तकिल आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी क्या किया, मुसलमानों के ऊपर इस चीज को लागू करना शुरू कर दिया, इस चीज को जो है वो बताना शुरू कर दिया कि आपको सिर्फ एक ही जो है छट पर जो है वो तरक्की मिल सकती है, आप एक ही छट पर जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, दुनिया में नाम कमा सकते हैं, कि पहले आपको अपनी तालीम और तरबियत पर जो है क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद हम फिर दोबारा मैं आपके पास बेटा सादगी और रवा अंदाज की तरफ आता हूँ। देखिए बेटा, कोई भी मुसन्निफ होता है ना, कोई भी नसर निगार होता है, तो उसकी तहरीरों में जो सबसे पहली चीज होती है, उसकी कामयाबी की जो सबसे पहली चीज होती है
वो होती है उसके सादा लफ्जों का इस्तेमाल। अब जब मुसन्निफ सादा लफ्जों का इस्तेमाल ही नहीं करेगा, या मुसन्निफ जो है वो सादा लफ्ज कहेगा ही नहीं, तो जो कारी पढ़ने वाला है या मुसन्निफ का जो मकसद है वो पूरा कैसे होगा। तो इसीलिए शेख अहमद खान की तहरीरों में हमें क्या नजर आता है, सादगी, सादगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट उनका मकसदियत, उनकी मकसदियत क्या थी बेटा। उनकी मकसदियत अगर हम देखें तो उनकी मकसद ये थी कि मुसलमानों को बेदार करना, मुसलमानों को तालीम की तरफ लाना, मुसलमानों को आगे बढ़ने का मौका देना, ठीक है, मुसलमानों को ब्रिटिश के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाना, ठीक है, मुसलमानों को सियासत से कुछ अर्से के लिए दूर रहना, और फिर मुसलमानों के लिए एक अलग जो है प्लेटफॉर्म बनाना, जो कि सर सैयद अहमद खान के इंतकाल के बाद जो है वो बन गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो है वो नजर आगे चल। मजामीन का तना, मतलब उनका जो है मजामीन किस तरह के होते थे, मजामीन के ऊपर वो किस तरह जो है वो काम किया करते थे, या कौन कौन से या कौन कौन से तरीके उनके मजामीन होते। अगर हम सर सैयद की तहरीरों का एक पहलू देखें ना, तो उसमें हमें नजर आता है कि उनके जो जो भी उनके मजामीन थे वो हसब जरूरत मुख्तलिफ अंदाज अख्तियार करते थे, ठीक है जी। उन्होंने अदबी भी करें, उन्होंने इखलाकी, उन्होंने इल्मी, उन्होंने मुआशरती, उन्होंने मजहबी, सियासी, मुआशी, साइंसी और हर मौजू पर जो है उन्होंने क्या करा है, अपने अपनी तहरीर या अपने मजामीन जो है वो लिखे। ये नहीं कि वो अगर मुसलमानों को बेदार करना चाह रहे हैं तो सिर्फ वो एजुकेशन के ऊपर ही, या मुसलमानों को जो है वो ब्रिटिश की जो है या हिंदुओं की जो है वो सख्ती दिखाना चाह रहे हैं, बल्कि नहीं, बल्कि वो मुसलमानों की हर चीज़ के ऊपर उनकी नज़र थी, वो मुसलमानों को आगे बढ़ाना चाहते थे। जैसे कि हमें सैयद अहमद खान की और भी तहरीरों में मिलता है, जैसे कि वो अपनी मदद आप आज़ादी राय, रस्म व रिवाज हो, तरीक़ा ज़िंदगी हो, तालीम व तरबियत हो, अज़्म व जज़्म हो, तअस्सुब हो, खुशामद हो, मुखालफत हो, बहस व तकरार हो, गुलामी हो, उम्मीद की खुशी हो, हर पहलू को जो है उन्होंने बेहतर तरीके से अपने मजामीन में तहरीर किया। अब आती है मंतकीय इस्तदलाल। बेटा अगर हम देखें तो हमें देखिए बेटा, कोई भी बात अगर आप किसी के सामने कोई चीज़ बता रहे होते हैं तो आपको सबसे पहली चीज की जरूरत पड़ती है गवाहों की या सबूतों की या दलील की। सैयद अहमद खान भी अपनी तहरीरों में जो है ना इस्तदलाल का इस्तेमाल जो है बहुत ज्यादा करते हैं। इस्तदलाल मतलब होता है बेटा दलील लेके कोई बात करना। अब जैसे कि वो बताते हैं, सुनिएगा, दोस्त हमेशा अपने दोस्त की नेकियों को बढ़ाता है और दुश्मन एबों को, इसलिए हमको अपने दुश्मन का ज्यादा एहसान मंद होना चाहिए कि हमको हमारे एबों से मुताल्ला करता है। मतलब देखिए दलील लेके बात कर रहे हैं कि दोस्त जो होता है हमेशा आपको अच्छी अच्छी चीजें बताएगा, जबकि दुश्मन जो होता है ना वो आपके अंदर छुपी हुई जो एब है ना, या आपके अंदर छुपे हुए जो जुर्म है वो भी जो है वो आपको बताता है। तो हमें सबसे पहले देखिए दलील देके बात कर रहे हैं आपसे, सबूत देके कि देखिए सब दुश्मन और दोस्त में क्या फर्क होता है। इसके बाद बेटा हमें नजर आता है शोखी और जराफत। सर सैयद की तहरीरों में कई जगह शोखी और जराफत का भी हमें रंग झलकता हुआ नजर आता है। वो अपने मुखालफीन के एतराजात का जवाब देते हुए जज्बाती दबाव का शिकार नहीं होते, बल्कि मंतकी अंदाज में मजा का रंग इख्तियार करके मुखालिफ को कायल करते हैं। इब्तिदाल और पड़कपन सर सैयद का मैदान नहीं, इनकी शौकी और तंज में बढ़ाई और वकार है। एक जगह लिखते हैं, मतलब ये क्या बना रहे हैं कि अगर कोई इनके ऊपर किसी किस्म की कोई वो भी करता है, या बोलते अपना कोई अटैक भी करता है, और अटैक किस तरीके का, लफ्जों का अटैक करता है, या फिर उनको टॉर्चर करता है, या उनको जो एक तरीके से उनके मुखालिफ बात करता है, तो वो मुखालिफ बात करने पर उसको क्या नहीं कर रहे हैं, उसको टॉन्ट नहीं कर रहे या उसको तंज नहीं कर रहे, बल्कि उसकी उस मुखालिफ बात को वो मजा निगारी में चेंज कर देते, जिससे तहरीरों का जो असर है ना वो और ज्यादा जो है निखर कर आता है, या और ज्यादा निखर जाता है सामने। उसके बाद बेटा अंग्रेजी अदब के असरात। हमें सर सैयद अहमद खान की तहरीरों में जो ना अंग्रेजी अदब के असरात भी नजर आते हैं। अंग्रेजी अदब के असरात मतलब हमें उनकी तहरीरों में बेटा अंग्रेजी जुमलों का इस्तेमाल भी नजर आता है, हमें उनकी तहरीरों में जो है वो अंग्रेजी लफ्जों का भी इस्तेमाल नजर आता है, और साथ में अंग्रेजों के अंदर उन्होंने जो कुछ देखा, मतलब जो ब्रिटिश जब ये गए थे, या ब्रिटिश मतलब यूरोप जब ये गए थे, उन्होंने वहां पे जो भी कल्चर देखा, जो भी निज़ाम देखा, उस निज़ाम से इन्होंने जो कुछ सीखा, हमें इनकी तहरीरों में वो निज़ाम भी नजर आता है, ठीक है जी। उसके बाद जिद्दत आफरीदी का मतलब ये होता है बेटा जदीद तरह की तहरीर।
ये नहीं, अब देखें, अब आपने देखा होगा अक्सर कुछ ऐसे नसर निगार होते हैं या कुछ ऐसे शोराए कराम होते हैं जो पुराने वक्तों में जो चीजें हो चुकी है ना उनके ऊपर ही अपनी तहरीरें लिखते रहते हैं। भाई कोई नई चीज लेकर आओ, लेकिन हमें सर सैयद खान की तहरीरों में नई चीजें भी नजर आती है। देखिए उनका एक चैप्टर था वो मुझे याद आ गया, रस्मो रिवाज की पाबंदी के नुकसान। अब आप ये देखें इस रस्मो रिवाज की पाबंदी के नुकसान उस वक्त मतलब सर सैयद खान के दौर में भी जो है रस्मो रिवाज की पाबंदी के नुकसान थे, और देखिए आज भी वही है। देखिए उनकी उन्होंने कुछ ऐसी तहरीरें लिखी या कुछ ऐसी तहरीरें उजागर की जिससे उस वक्त के लोगों को भी जो है फायदा हुआ और इस वक्त के लोगों को भी आज तक फायदा हो रहा है। ठीक है, मतलब जदीद जो है उन्होंने अपने जुमलों का इस्तेमाल किया या जदीद लफ्जों का इस्तेमाल किया, और जिद्दत से क्या हुआ कि जो पढ़ने वाला कारीगर है ना वो समझता था जैसे मेरे अपने ऊपर बात हो रही है। ठीक है, अब आती है बात बेटा शख्सियत की इकासी। अभी मैं आपको बेटा मीर तकी मीर में भी शख्सियत की इकासी का जो है मतलब बता चुका हूँ कि शख्सियत की इकासी किसे कहते हैं, कि किसी भी शख्स को किसी तरीके से बयान करना, ये किसी भी शख्स के ऊपर कोई चीज तहरीर करना। देखिए बेटा शख्स के ऊपर तहरीर करने बेटा हजीर ये मतलब नहीं होता कि आप उसकी सारी बुराइयां ही जो है वो मेंशन कर दें, आपको सारी बुराइयां ही बता दें, बल्कि क्या है किसी भी शख्सियत की अच्छाई और बुराई दोनों चीजें वाजे करना। जैसे कि सरसमा खान की एक चीज से मुझे याद आ गया, वो जैसे कि फरमाते हैं अपनी एक तहरीर में, और उनकी तहरीर में था क्या वो मैं आपके सामने मेंशन करने लगा हूँ इंशाल्लाह। जैसे देख वो बेगुनाह कैदी अंधेरे कुएं में सात ते खानों में बंद है, इसका सूरज का सा चमकने वाला चेहरा जर्द है, बेयार और दियार गैर कौम गैर मजहब के लोगों के हाथों में कैद है, अजीज भाई की जुदाई इसके दिल को गमगीन रखती है, इस वक्त कोई इसका साथी नहीं मगर ए हमेशा रहने वाली उम्मीद तुझी में इसकी खुशी है। मतलब क्या है, देखिए अब ये जो जो भी शख्स हैं उनकी किस तरीके से इकासी कर रहे हैं। ठीक है जी, मतलब उनको दिलासा भी दे रहे हैं, उनको समझा भी रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं, उनको साथ में आगे बढ़ने की या हिम्मत ना हारने की भी क्या कर रहे हैं तलकीन कर रहे हैं। तो इसको बड़े बड़े हम ये कह सकते हैं कि शख्सियत की इकासी करते हैं, मतलब सर सैयद खान की तहरीरों में हमें शख्सियत की इकासी भी नजर आती है। ठीक है जी, संजीदगी और मतानत, सर सैयद खान की हमें तहरीरों में बेटा संजीदगी और मतानत भी नजर आती है। मतलब वो कोई भी अगर वो तहरीर लिखते तो उसमें तहरीरों में उनको क्या नजर हमें क्या चीज बताते हैं वो संजीदगी से। देखिए बेटा एक होती है क्या बोलते हैं कि मजाक में कोई बात कहना, एक होता है मजाक में कोई बात कहना, और जब आप किसी के सामने कोई मजाक में बात कहेंगे ना तो वो उसको मजाक में ही ले लेगा, लेकिन जब उसको किसी बात को आपको समझा रहे होंगे या उसको संजीदगी से समझा रहे होंगे या उसको बहुत ज्यादा डीपली समझा रहे होंगे तो उस बंदे के या उस इंसान के जो है ना जो भी वो बात सुनेगा बड़े संजीदगी से सुनेगा और फिर उसको अपने ऊपर अप्लाई भी करेगा। तो हमें सर सैयद खान की तहरीरों में संजीदगी और मतानत भी नजर आती है। अब इसका हमें पता इस तरह चलता है कि तो उस वक्त जब मुसलमान मौजूद थे, मुसलमानों को जब तालीम के ऊपर लाया गया या मुसलमानों को जब तालीम की तरफ जो है वो बढ़ाया जा रहा था, तालीम की तरफ उनको जो है वो फोकस करवाया जा रहा था, तो वो बड़ी संजीदगी से उनको कि अगर तुम तरक्की नहीं करोगे तो आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते, और तुम्हें अगर तरक्की करनी है तो तुम्हें तालीम हासिल करनी पड़ेगी। मतलब बड़ी संजीदगी, ये नहीं कि आप उसको मजाकतन बता रहे हैं, जब आप किसी को मजाकतन कोई बात समझाते हैं तो वो भी शख्स जो है उसको मजाक में ही वो बात ले लेता है। अच्छा उसके बाद हमारे पास तमसीली रंग, तमसीली रंग का बेटा मतलब यही होता है कि मिसाल देके कोई बात समझाना। मैंने भी जो अभी आप लोगों को बताया था कि मिसाल देके कोई बात समझाने का मतलब ये होता है कि कोई भी बात जो है ना मिसाल देके, जैसे वो सरसम खान लोगों को या रस्म रिवाज की पाबंदी के नुकसान कर बता समझाते हुए फरमाते हैं कि अगर तुम देखो पहले की कौमों को या पहले के लोगों को, उन्होंने भी अपने आप को जो तबाह और बर्बाद किया वो इसी वजह से किया कि उन्होंने पुरानी रस्मों पर अमल किया या उन्होंने पुरानी रस्मों को जो है वो अप्लाई किया या अपने ऊपर अप्लाई किया, वो उस वक्त के दौर की रस्में थी और आप इस वक्त के दौर के लोग हो। तो मतलब क्या है मिसाल देके समझा रहे हैं या मिसाल देके बता रहे हैं या मिसालें दे रहे हैं कि अगर तुम उनकी तरह अपनी जिंदगी गुजारा हो तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि अगर तुम रस्म रिवाज की पाबंदी करते हो पुराने वक्तों के लोगों की तो एक दिन जो है वो तुम्हारा भी जो है वो किस्से कहानियों में जो है वो नाम रह जाएगा। ठीक है, मतलब तुम कभी भी तुम्हारा जो है वो आगे नहीं बढ़ पाओगे या तुम कभी भी जो है वो तरक्की नहीं कर पाओगे, क्योंकि तो अभी भी तुम क्या कर रहे हो पुराने वक्तों की रस्मों के ऊपर ही अमल कर रहे हो। उसके बाद है अंग्रेजी
हुरफों का इस्तेमाल देखिए बेटा, इधर एक जुमला में एक हेडिंग इस्तेमाल किया अंग्रेजी हुरफ का इस्तेमाल, और एक इस्तेमाल किया मैंने आपके सामने अंग्रेजी अदब के असरात। अंग्रेजी अदब मतलब जो वो यूरोप गए थे या ब्रिटिश गए थे, उन्होंने अंग्रेजी अदब जो भी सीखा या वहां के लोगों से जो कुछ सीखा, ठीक है जी। अब अदब में क्या आता है कि वो किस तरीके से लोगों के साथ पेश आते हैं, वो किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। तो हमने अंग्रेजी अदब में क्या देखा कि ससमत खान ने कि उनके अंग्रेजी अदब में तालीम पर वो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर तालीम हासिल कर लेंगे तो हम पूरी दुनिया को फतह कर सकते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट है हमारे पास अंग्रेजी हुरफों का इस्तेमाल, तो अंग्रेजी हुरफ के इस्तेमाल का मतलब क्या है कि सचमत खान की तहरीरों में हमें सिर्फ उर्दू लफ्ज का इस्तेमाल नहीं मिलता बल्कि अंग्रेजी हुरफों का भी इस्तेमाल मिलता है, या अंग्रेजी हुरफ भी जो है वो बाकायदगी से या जगह जगह पर जो है वो इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। उस पर बेटा नेक्स्ट है हुरफ आखिर। अच्छा हुरफ आखिर का बेटा मतलब ये होता है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि बेटा आप नकायदीन की राय को हुरफ आखिर कहें। हुरफ आखिर मतलब आपने जो कुछ सर सैयद अहमद खान की तहरीर में पढ़ा सीखा और उनकी खसूसियात से जो कुछ पढ़ा जो कुछ सीखा उसको आपको अपने लफ्जों में हुरफ आखिर के तौर पर या कंक्लूजन के तौर पर उसको लिखना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग बनती होती है वो होती है बेटा नकायदीन की राय। अब नकायदीन की राय में अगर हम देखें तो मौलाना अल्ताफ हुसैन अली फरमाते हैं हयात जावेद में सर सैयद को उर्दू नसर का मौरिस आला करार दिया गया है। मतलब हयात जावेद में ससमत खान को जो है उर्दू से मौरिस क्या कहा गया, मौरिस आला करार दिया गया। इसी तरह एक जगह और मौलाना अल्ताफ हुसैन अली फरमाते हैं सर सैयद के कलाम की तासीर दर हकीकत उनकी सच्चाई और हक गोई का नतीजा थी। इसी तरह एक जगह मौलवी अब्दुल हक फरमाते हैं ये सर सैयद का कारनामा है कि जिसकी बदौलत उर्दू अदब एक सदी के कलील अरसे में कहाँ से कहाँ पहुंच गई। ठीक है, ये होती है बेटा नकायदीन की राय। ठीक है जी, यहाँ पर बेटा हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, यकीनन आप लोगों को बेटा समझ में आया होगा। आज हमने दो तफसरे पढ़े, एक शोरा कराम मीर तकी मीर और एक जो है वो सर सैयद खान नसर निगार। ठीक है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम एक शेर, एक शायर और एक जो है नसर निगार पर फिर हम इंशाल्लाह आज तबसरा पढ़ते हैं। अल्लाह हाफिज़।